अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी पिन आ गई है। पिन है इसके अंदर 6 डिजिट का एक कोड हो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली आरई, होप गाइस डूइंग वेल, वेलकम टू अदर व्लॉग। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज मतलब इतनी खुशी हो रही है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी पिन आ गई है और इस पिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है, नए यूट्यूबर्स को। भाई ये जो पिन है ना, ये नए यूट्यूबर्स के लिए पता है प्ले बटन से कम नहीं है, किसी के लिए सिल्वर और किसी के लिए गोल्ड। और भाई वो प्ले बटन तो मिलता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे, लेकिन यार ये $10 पर जो पिन आती है ना, ये भी किसी सिल्वर बटन से कम नहीं है यार। मतलब कि छोटे यूट्यूबर्स इसके लिए जिसकी पिन आती है, मतलब ऐसे ही होता है कि यार जिससे उसका प्ले बटन आ गया, क्योंकि ये भी भाई गूगल ऑफिस से ही आती है तकरीबन, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि ये आउट ऑफ कंट्री से आती है। सो ये तब आती है जब आपके $10 हो जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे $10 प्लस हो गए, तो अब हमें ये पिन रिसीव हो गई है। और इसके 3 अटैम्प्ट होते हैं, अगर आपने फर्स्ट में किया आ गई ठीक है, सेकेंड में किया आ गई ठीक है, थर्ड में करो फिर भी नहीं आई, तो फिर भाई आपको एक और मेथड होता है, उस पर जाना होता है। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट भी मेरी आ गई यार अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके लिए बड़ी स्ट्रगल थी यार, जब ये आई थी बड़ी खुशी हुई थी, कॉल आई मुझे कि आपकी पिन आ गई है। तो 15 दिन का टाइम होता है, बस 15-16 दिन में ये आ गई थी और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आई थी। आई थिंक 100 रुपीज़ उन्होंने लिए थे डिलीवरी के, और पहले ही काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी छोटी हो गई है। और तो अब इसको खोलते हैं, साइड में इन्होंने दिया हुआ है रिमूव साइड एजेस फर्स्ट, तो मतलब के साइड से कह रहे हैं कि खोल लो। भाई ये जो पिन है ना, ये बाहर तो एक पिन है, इसके अंदर 6 डिजिट का एक कोड होगा, लेकिन यूट्यूबर्स ही समझ सकते हैं इसकी खुशी क्या होती है भैया, क्या क्लास की चीज़ होती है। और पीछे मेरा हाउस नंबर वगैरह मेंशन है, इसमें 6 डिजिट्स होते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। वो डिजिट्स ये बताते हैं कि भैया बस एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, ये होता है $10 के बाद, जब ये हो जाता है उसके बाद मतलब कि आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। लेकिन अभी पेमेंट में तो काफ़ी टाइम है, लेकिन मतलब हमारे $10 हो गए, ये पिन रिसीव हुई है $10 के बाद। और अभी हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर 6 डिजिट्स होंगे, क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस से काफी दफा मैंने YouTube चैनल्स पे देखी थी यार, पिन आ गई। तो फाइनली मैं आपको कहानी समझाता हूँ। पहले भाई मैंने एक YouTube चैनल बनाया था 3-4 साल पहले, उसमें मैंने इतनी स्ट्रगल की, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, तो इतनी स्ट्रगल करने के बाद कुछ नहीं पता था YouTube मतलब क्या करना है, टेक्स का, टाइटल का, थंबनेल, कुछ भी नहीं पता था। बस ऐसे व्लॉग्स बनाने शुरू किए, ऐसा ऐसा 1 साल तक कुछ नहीं, सेकंड ईयर कुछ नहीं, थर्ड ईयर थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया। तो फिर मैं कंटिन्यू करता रहा। तो उसके बाद भैया ऐसा ऐसा चैनल ग्रो होता गया, फिर उसके बाद वो चैनल मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया में आ गया, तो मैंने अप्लाई किया तो हो गया। उसके बाद भाई उस पर $2-3 हो गए ना, तब मैंने कहा यार बहुत ऐसा चल रहा है, इसको थोड़ा तेज़ चलाएं। तो मैंने क्या किया, मैच की वीडियोस, मैच चल रहा था उसके शॉर्ट्स दे दिए, उसके शॉर्ट्स पे भाई कॉपीराइट क्लेम आ गया और वो चैनल टर्मिनेट हो गया। तो उसको पिक करने में इतने पैसे लगने थे, काफ़ी देर वेट किया लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मतलब एकदम बंदा टूट गया यार, इतनी स्ट्रगल, इतनी डेडिकेशन, इतनी सारी वीडियोज़ बना के एक बंदा वहाँ तक पहुँचा और वो ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें ये होता है हकीकत। उसके बाद दोबारा मैंने चैनल बनाया, कुछ दिन मैंने वेट किया, जब मुझे पता है, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब मेरा चैनल वापस नहीं आएगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बस, फिर अल्लाह ताला भी छोड़ दिया। फिर जब नया चैनल बनाया फिर उसी दिन में नहीं, अच्छा जिस सिम पे टर्मिनेट हुआ था, तो मैंने सुना था कि इस पे नहीं बनाना, तो मैंने उस पे नहीं बनाया, फिर नई सिम लेके आया, उसके ऊपर मैंने अपना वो नया अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद उस पे स्ट्रगल स्टार्ट की। और विद इन कुछ ही टाइम, तो 2-3 महीने में मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया के लिए अप्लाई किया, उसके बाद हो गया। और उसके बाद मैंने अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, फिर थोड़ी थोड़ी थोड़ी, जब $10 हो गए और $9 के बाद, मतलब 1 महीने में कोई $1-1.5 आता था। तो यार यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं सिर्फ ऑडियो चली गई थी यार, इतनी अच्छी वीडियो बनी थी उससे आधी तो ख़राब हो गई। तो अब आपको वॉइस ओवर करके सुनाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। 1 महीने तक मतलब के कुछ सेंट्स आते थे, छोटे मतलब के सेंट्स, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। हर रोज़ आपको 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 10, 15 मतलब इतने सेंट्स मिलते हैं। जब आपकी वीडियोज़ के व्यू पर व्यूज़ आते हैं, उसमें ऐड चलते हैं, जो उसमें आपका रेवेन्यू बनता है वो आपकी तरफ आ जाते हैं, वो इतने होते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ 6 महीने में जाके कुछ 4-5 महीने में तकरीबन $10 बने थे, और 4 महीने में। और अभी जो अगले डॉलर्स है ना, वो मतलब थोड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो तकरीबन मतलब कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 6 महीने और लगेंगे फर्स्ट पेमेंट में। तो चलो देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद मैंने ये पिन खोली थी, पिन के अंदर भाई होते हैं डिजिट्स होते हैं, 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड होता है, जो कि आपके घर पे गूगल भेजता है, और ये पता करवाने के लिए कि भाई आप मतलब ये बंदा यहीं रहता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है ये।
और इसमें लिखा हुआ है कि भाई पहले उस पर मेंशन था कि रिमूव फर्स्ट साइड एजिस, मतलब कि साइड के एजिस से इसको खोलें, तीनों तरफ से इसको काटना था। और तीनों तरफ से मैंने आराम आराम से इसको गूगल जो एडसेंस की पिन थी इसको काटा, और पकड़ने में मतलब अलग ही फील आ रही थी। मतलब मैंने आज तक इसको मतलब यूट्यूब के ऊपर ही देखा था, तो मतलब बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे ही आई ना उस दिन, तो मतलब खुशी की लेवल इंतहा ही अलग थी। जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो या कुछ, आपकी जो आपकी मतलब कि आपका गोल है या आपकी कोई जो अचीवमेंट है आपको वो मिल जाए ना, पहले दिन की खुशी A1 होती है, उसके बाद थोड़ी 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 कम होने लग जाती है। तो इसी तरह फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, लेविश किस्म का एक्सपीरियंस था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड डे मैंने ये थर्ड डे या सेकंड डे वीडियो बनाई, आई थिंक 2-3 दिन मैंने बनाई थी। 100 रुपीज़ उसने लिए थे और फिर उन्होंने हमें ये दे दी, और हाउस नंबर सीधा मतलब जो हमने वहाँ पर एड्रेस डाला था उसी के ऊपर ही आई थी। और इसमें बस इसको खोला तो अंदर लिखा हुआ था गूगल एडसेंस योर गूगल एडसेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन वेलकम टू योर गूगल एड्स एंड योर अकाउंट इज एंड सेटअप प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई योर एड्रेस। नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे इसको मैंशन करना है, क्या करना है। सिगिन योर अकाउंट एडसेंस एंड फाइंड द पिन वेरीफिकेशन कोड ऑन योर होम पेज। इंटर द पिन एग्जैक्टली एज इट अपेयर्स ऑन द राइट एंड चेक सबमिट फर्दर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हेयर। मतलब कि आगे उन्होंने वो दिया हुआ है कि एक वेबसाइट वगैरह दी हुई है, तो और उसके थ्रू आप कह रहे हैं कि आप आगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लें। वैसे मैंने इसको लगा के जो उसके 6 डिजिट थे मैंने वो फिल कर दिए हैं, तो एडसेंस बस नॉर्मल होता है। अंदर जाओ वहाँ पे वेरिफिकेशन का एक पोर्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है आई थिंक, मैं भूल गया थोड़ा सा, तो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे, एंटर करो वहाँ पे, वो वहाँ पे लिखा होता है। तो भाई इन्होंने कहा कि आई थिंक के मतलब 4 महीने तक अगर आप ये पिन नहीं लगाते 4 महीने तक तो आपके एड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। एक साइड में यूर पिन बड़ा बड़ा 6 डिजिट्स का पिन दिया हुआ है, उसके साथ इन्होंने लिखा हुआ है दिस कोड इज़ यूनिक टू यूर अकाउंट एंड द पेमेंट एड्रेस यू वांट टू वेरीफाई प्लीज़ डू नॉट शेयर दिस कोड विद एनीवन एल्स एंड नो दैट गूगल विल नेवर कॉल यू एंड आस्क फॉर योर कोड। तो मतलब कि इस कोड को किसी के साथ शेयर ना करें और चुप करके अपना जो एक फिंगर रख के, मैंने भी जो वीडियोज़ में देखा था रिव्यूज़ वगैरह या जो दिखा रहे थे वो एक फिंगर रख के दिखा रहे थे, मतलब थोड़ा सा पूरी कोड नहीं दिखाते थे क्योंकि नीचे मेंशन भी है, तो इसलिए आई थिंक पूरा नहीं दिखाना चाहिए या कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसी गाइडलाइन को रखते हुए अपना थोड़ा सा कोड दिखाया, फाइनली फिल कर लिया है और वहाँ पे चेक आ गया, टिक का चेक आ गया। अब इंशाल्लाह वेट करते हैं हमारे जो प्ले बटन आएंगे और फर्स्ट पेमेंट आएगी। चैनल पर हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को, और इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।